थोड़ा चलो। नमस्कार, मैं यूसी झा आप सभी लोगों का बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी हिंदी में उसको हम नियामक ज्योमेट्री भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पर्पस क्या है कि ज्योमेट्री के प्रश्नों को अलजेब्रा के माध्यम से सॉल्व करना। जैसे ही मैंने कहा अलजेब्रा के माध्यम से सॉल्व करना, इसका मतलब ये हो गया कि इस ज्योमेट्री में मैक्सिमम जो यूज होगा वो अलजेब्रिक टर्म का ही यूज होगा। जैसे दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना, वो भी अलजेब्रा के माध्यम से यूज होगा। किसी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करना, वो भी अलजेब्रा के माध्यम से यूज होगा। इवन लाइन हो, सर्कल हो, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाते हैं सारी चीज़ों को अलजेब्रा के माध्यम से यूटिलाइज करना, यानी हम इसे इनडायरेक्टली अलजेब्रिक ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर्स में एसएससी और जो एलडीसी होता है, जो वर्तमान में सीएचएसएल है, तो उसके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको जो 10th लेवल का था उसमें रह जाता है, इंटर लेवल पे भी रह जाता है, और कुछ क्वेश्चंस जो ग्रेजुएशन के स्तर पे हैं उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तमान सिलेबस में तो रिफ्लेक्शन को भी ऐड कर दिया है, इवन स्लोप पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चंस ज़्यादा बनने लगे हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर्स बहुत ही ब्रॉड नहीं है एसएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली सॉल्व होते हैं। यानी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। कम थ्योरी में भी आप क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहला तो चीज़ इसमें ये पढ़ना होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि इसके अंतर्गत हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी दो पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है तो उस दो पॉइंट के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे तो दो पॉइंट के जो बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग लाइन कहते हैं। तो फिर उस लाइन की सभी जानकारियाँ, जैसे कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन की जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, उस लाइन का अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन कैसे होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से फॉर्मेशन होगा, या मान लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म से फॉर्मेशन होगा या नॉर्मल फॉर्म से होगा, यानी 5-6 प्रकार के फॉर्म्स हैं उससे उसको फॉर्मेशन की जाएगी। वो जानकारियाँ जैसे जैसे दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें सीखना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। और जब मैं ये कहता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के माध्यम से ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स और भी डिफरेंट शेप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम एरिया के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसी चैप्टर के अंतर्गत हमें कोलिनियर भी पढ़ने को मिल जाएगा। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा चैप्टर होगा वो है स्ट्रेट लाइन। तो देखने में ये 3 पॉइंट लग रहा है लेकिन इसके अंतर्गत ढेर सारी जानकारियाँ होंगी। जैसे जब हम ट्रायंगल में आएंगे तो जितनी चीज़ें हम प्लेन ज्योमेट्री में पढ़े थे, जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो ये जितनी भी था सेंटर्स, सेंट्रोइड, वो सब यहाँ सीखने को मिलेगा। जितना भी आप स्ट्रेट लाइन की जानकारी वहाँ पर लिए थे उतनी जानकारी यहाँ पे होगी। बस अंतर ये होगा कि ये जानकारियाँ आप जब भी लेंगे वो अलजेब्रा के माध्यम से ही ली जाएगी। क्लियर?
और जो फाइनल जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन। ये पिछले कुछ सालों में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रिफ्लेक्शन से, तो ये बेसिकली मुझे अगर मैं इतनी तैयारी कर लूँ तो एसएससी के किसी भी स्तर का अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें ये चैप्टर्स अगर आपके अच्छे हैं तो यकीन मानिए कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आपको अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ज़रूर सॉल्व करवा देगा। इतना अच्छे लेवल पे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस प्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा भी आपको सीखने को बहुत सारा चैप्टर्स मिलता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे सर्कल, जैसे कोनिक सेक्शंस, तो ये सब चैप्टर्स हम लोगों के जो सिलेबस है उसमें नहीं है। बहुत सारे हैं, जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्से है, तो वो सिलेबस 11, 12 के बच्चों के लिए हो जाती है। आपको फिलहाल इतना पढ़ना है और फ्यूचर के परीक्षा को देखते हुए कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो रही है, तो थोड़ा सा सर्कल का बेसिक सा पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा, चूँकि सर्कल सा आपको ऑलरेडी पहले से भी प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ना होता है, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ेंगे कैसे, तो जैसे जैसे हम आपको थ्योरम बताते जाएंगे उस थ्योरम को आप रिवाइज करते चले जाइए अच्छे से, और जब थ्योरम आप रिवाइज कर लेते हैं तो उसके माध्यम से जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे क्लास में उसको आप सॉल्व कीजिए। फिर हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास सेट अगर है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो क्लास लेक्चर बहुत सफिशियंट है कि आप ईच एंड एवरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, तो एक एक पॉइंट पे समय दे करके चीज़ों को सीखनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब हम बात करते हैं दो पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट का नाम x1 y1 होगा और दूसरे पॉइंट का नाम x2 और y2 होगा, ठीक है। तो जब हम x1 y1 और x2 y2 जब हम कहते हैं तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो x एक्सिस चाहिए और एक y एक्सिस चाहिए। काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कैसे किसी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो अगर कोई हमें ये कहे कि ये जो a पॉइंट है और ये जो b पॉइंट है और दो पॉइंट को मिला करके जो एक रेखा बनी है, इस लाइन का हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है या इस लाइन का लेंथ निकालना है, तो हम कहेंगे कि ए बी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 में से x2 लेस कर रहे हैं या x2 में से x1 लेस कर रहे हैं, चूँकि स्क्वायर होने के बाद चीज़ें सेम ही हो जाती है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि AB की जो लंबाई है रूट से बाहर निकलने के बाद हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम किसी भी डिस्टेंस को पॉजिटिव में ही डिनोट करते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा आप 2 सेकंड के लिए समझिए कि मैंने क्या लिखा है, चूँकि ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं,
फिर इसका हम प्रूफ करते हैं कि कैसे इसका प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस और एक पॉइंट है जिसका नाम है x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है ये x2 y2। ओके, अब अगर हम इस दो पॉइंट को मिलाएं ऐसे तो इसी की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, ठीक है, इसी की लंबाई को हमें निकालना है। तो ये जो लेंथ है इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब जैसे ही इसको हम ड्रॉ करते हैं तो जैसे ही इसको हम मिलाएंगे ऐसे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जब वर्टिकल लाइन होता है इसकी लंबाई होती है y1। ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी लंबाई y1 और इस पूरे की जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगा y2। आई होप कि आप छोटी सी जानकारी है पहले से जानते भी होंगे। तो ये जो लेंथ है ये क्या होगा, y2 - y1। तो सेम जो ये लेंथ है इस लेंथ की जो डिफिनेशन है वो है x1 यहाँ से यहाँ तक और ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो है x2। तो फिर x2 में से x1 को लेस करेंगे तो ये क्या होगा, x2 - x1। ओके, तो ये है ए और ये है बी और ये है राइट एंगल ट्रेंगल जिसका परपेंडिकुलर है हमारे पास y2 - y1, बेस है x2 - x1। तो निश्चित रूप से जो ए बी होगा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, विकर्ण का काम करेगा। तो आप इजीली कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसीलिए स्क्वायर के टर्म में कन्वर्सली कोई फर्क नहीं पड़ता कि y2 पहले है कि y1 बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। ठीक है, आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है तो मैंने क्या क्या देखा इसमें कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो रूट अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जहां पे x1 और x2, y1 और y2, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं पॉइंट वाइज x1 y1 और x2 और y2 दो पॉइंट्स हैं हमारे। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं उसमें दो पॉइंट्स में हम लोगों ने अभी क्या देखा कि एक पॉइंट जो है
वो एक्स वन वाई वन है और दूसरा पॉइंट जो है वो एक्स टू और वाई टू है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस दो पॉइंट में से एक पॉइंट हमारा जीरो जीरो हो, एक पॉइंट जीरो जीरो हो और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो एक्स और वाई हो और चीजें सब सेम हो, ये ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच की दूरी या इस लाइन की जो लंबाई है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। खुद से समझिए थोड़ा सा कि ये जो मैंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे? ये जो x है ये अगर x2 का काम कर रहा है तो ये 0 जो है वो x1 का काम कर रहा है, इसी तरीके से ये y2 का काम कर रहा है तो ये 0 y1 का काम कर रहा है। तो अगर मैं x माइनस 0 भी करूं तो फिर से तो x ही हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये जो जीरो जीरो है और ये जो एक्स वाई है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी। ओके? अब रही बात कि ये जो लाइन बनी इसी लाइन से संबंधित अब कई तरह के क्वेश्चंस एराइज होंगे। तो पहला जो पॉइंट था हमारा वो था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब चलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के दो अलग अलग रीजन निकले, एक किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी और दूसरा हो गया ओरिजिन से कहाँ तक की दूरी, किसी भी एक पॉइंट तक की दूरी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये ए है और ये बी है, तो इस लाइन को हम दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, ये भी ए है और ये बी है। मैं अगर ये कहूं कि इस लाइन की जो भी लंबाई है लेंथ है उसको आप 2:3 में डिवाइड करो, मैंने कहा कि अगर कोई भी ये लाइन है तो इसको आप 2:3 में डिवाइड करो, मतलब कुछ मैंने एक रेशियो दे दिया उसमें आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला केस तो ये होगा कि ए पॉइंट का नाम तो कुछ न कुछ होगा, जैसे कि x1, y1 और दूसरा क्या होगा x2 और y2। और ये है m, मतलब कुछ भी मान लेते हैं, चलो p मान। तो जब हम एक लाइन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लेंथ बढ़ जाएगा कुछ लेंथ घट जाएगा, तो एक सिस्टमेटिक रेशियोज अगर कोई हमको दे तो हम उसको डिवाइड कर सकते। तो अगर मान लेते हैं कि m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करना है,
अच्छा, इसका अरिथमेटिकल जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? तो अरिथमेटिकल मीनिंग ये होगा कि एक तो तरीका ये है कि आप ए से बी तक की कुल लंबाई निकाल लीजिए, मान लेते हैं कि वो 10 सेंटीमीटर आया, और उसको आप 2:3 में बांट दीजिए। अगर मान लेते हैं m:n का रेशियो 2:3 है, तो 2:3 में बांट दीजिए, तो फिर इधर की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, इधर की लंबाई 6 सेंटीमीटर हुई, तो लेंथ तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन मुझे पॉइंट P चाहिए। तो उसके लिए फिर से हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो X और Y है, तो फिर हमें फॉर्मूला लगा करके और तब जाना हो सकता है, तो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा सोर्स लेकर के शॉर्टकट करने की कोशिश करूं, तो उसी को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? सेक्शन फॉर्मूला। ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये दो तरीके का होता है कि आप किसी भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो दो पार्ट आपका थॉट क्या है, इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, आंतरिक विभाजन करना चाह रहे या बाहरी विभाजन करना चाह रहे। इंटरनल डिवीजन करना चाह रहे या एक्सटर्नल डिवीजन करना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरनल डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो वो दो लाइन के बीच में ही कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा जो कि उस रेखा को दो पार्ट में ब्रेक कर देगा। लेकिन जब एक्सटर्नल करना चाह रहे हैं, तो ये अलग बात है कि ये पॉइंट यहाँ पर रुक गया, लेकिन ये इससे आगे भी जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है P, ये आउटसाइड द लाइन होगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ कि ये A है और ये B है और बाकी चीज़ें यथावत है, जैसे कि X1, Y1, X2, Y2, लेकिन इसके बाद जो P पॉइंट है हमारा, वो P पॉइंट आउटसाइड द लाइन है। जो कभी इनसाइड हुआ करता था वो है P पॉइंट। तो A से P तक का रेशियो अगर M है, तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि A से जो P तक का जो रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक, वो m है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, n है। तो m:n। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इंटीरियर डिवीजन हो या एक्सटीरियर डिवीजन, आप कहेंगे कि सर एक्सटीरियर कैसे हो सकता है? तो लाइन की जो समाप्ति है वो हम कह रहे हैं कि x1 y1 पे है या x2 y2 पे है, लेकिन चूंकि आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें लाइन की शुरुआत भी कहीं से हो सकती है और समाप्ति भी कहीं पर हो सकती है। तो ये तो लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें हमारे पास हैं और हम कहाँ से जाएं। तो कोई भी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करने लगें, बढ़ाने लगें, तो वो तो बहुत दूर तक बढ़ सकता है, क्योंकि वो तो क्लियर है कि प्लेन है, सरफेस है, उसको हम कहीं तक ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम बी तक पहले ड्रॉ करके रखे थे और मुझे और बढ़ानी है, तो उसी लाइन पे उतने ही एंगल पे हम आगे बढ़ा दिए। तो इस P पॉइंट का नाम अगर मान लेता हूँ कि X और Y है, यानी कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट तो होंगे, X कोऑर्डिनेट होगा, Y कोऑर्डिनेट होगा। तो सिमिलरली ये X और Y है। अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि आपको गिवन रहेगा X1 Y1, आपको गिवन रहेगा X2 Y2, बस निकालना क्या है, X और Y की वैल्यू, क्योंकि x और y ही वो पॉइंट है जो इस लाइन को m:n में डिवाइड कर रहा है। तो जब इंटरनल डिवीजन होता है तो याद रखना है m x2 + n x1 /
एम प्लस एन, ये एक्स का पॉइंट हुआ, एक्स का पॉइंट मतलब इस एक्स की वैल्यू हुई, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये वाई की वैल्यू हुई। यानी कहने का सेंस, वो पॉइंट जो आप एक्स वन और वाई वन, एक्स और वाई नाम रखे हैं, वो यही है। अर्थात आप इसको ऐसे कह सकते कि एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू क्या है, वो है। तो सिमिलरली जब इंटीरियर डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम कहानी होगी, एम एक्स टू ही रहेगा लेकिन प्लस की जगह पे माइनस होगा, और एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन दोनों जगह पे, और एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। क्लियर? यानी कहने का सेंस ये हुआ कि आपको इंटीरियर डिवीजन निकालना है, तो उसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो ये है एक्सटर्नल डिवीजन में, और ये वाई की वैल्यू है, और अगर इंटरनल निकालना है तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला को समराइज करके अगर लिखना चाहूँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं चाहूँ तो इसको कलेक्ट करके लिख सकता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है, यानी जो पी पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है, वो एम एक्स टू, इंटीरियर होगा तो प्लस, एक्सटीरियर होगा तो माइनस, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और माइनस एन, प्लस माइनस तो समझ गए होंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारा वो है एक्स की, और जो वाई की वैल्यू है, सेम अगर एक याद है तो दूसरा याद होगा, एम वाई टू प्लस फॉर इंटीरियर माइनस फॉर एक्सटीरियर एन वाई वन अपॉन एम प्लस माइनस एन। क्लियर यहाँ तक? और जो तीसरा केस होगा, चूंकि वो भी जस्ट एक शॉर्टकट की तरह होगा, अगर ये मिड पॉइंट हो जाता तो इनडायरेक्टली तो रेशियो वन इज टू वन हुआ। तो अगर आप मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो अगर आप m और n की जगह पर 1 और 1 रख देंगे तो ऊपर में x2 प्लस x1 होगा, नीचे में 1 प्लस 1 2 होगा। तो अगर ये p मिडिल पॉइंट है, अगर ये मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस केस में इस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की जो वैल्यू होगी वो y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की जो वैल्यू होगी वो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कुछ बातें थी जो कि फंडामेंटल के तौर पर यूज की जाती है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेते चलेंगे। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पहला क्वेश्चन है, आपको दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, ए की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 3 और बी की वैल्यू गिवन है माइनस 6 और 3।
माइनस सिक्स और थ्री। क्लियर? तो आप कहेंगे कि ये एक्स वन है और ये वाई वन है, इसी तरीके से कहेंगे कि ये एक्स टू है और ये वाई टू है, और ये दो पॉइंट कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कहेंगे कि ये ए है और ये बी है और इन दोनों के बीच की दूरी मुझे फाइंड करना है, तो ए बी की जो लेंथ होगी वो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन कहे या एक्स वन माइनस एक्स टू कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो टू है, अब माइनस एक्स टू का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। वाई वन मेरा कितना है, माइनस थ्री, अब माइनस थ्री हो जाएगा ये, क्योंकि वाई टू माइनस वाई वन या वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ, ये 64 है और ये 36 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड होगा और साइन भी स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 10। तो हम कहेंगे कि इन दो पॉइंट की जो बीच की दूरी है वो 10 यूनिट्स है। कुछ नहीं लिखा होगा तो हम इसको यूनिट्स मानेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो मुझे लगता है कि चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए जो पॉइंट है वो आपका गिवन है माइनस वन माइनस वन, और जो बी पॉइंट है वो गिवन है सिक्स एंड एलेवन या एट एंड एलेवन, जो भी लिखा हुआ है, तो एट एंड एलेवन। तो हम डायरेक्ट अब इसको लिख सकते ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या होगा, नाइन स्क्वायर यानी 81, चूंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस 144 चूंकि 11 का स्क्वायर है, तो रूट अंडर 225। और रूट अंडर 225 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, 15 यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? एक और थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक जो पॉइंट है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, मतलब पी जो पॉइंट है वो ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी है, और जो क्यू पॉइंट है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो जब इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल पी क्यू का जो लेंथ होगा वो आप क्या कहेंगे, पी क्यू का लेंथ रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस, सिमिलरली आप कहेंगे वाई वन का स्क्वायर माइनस
वाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें 2ab बचेगा और इसमें भी 2ab बचेगा, क्योंकि बाकी के जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो टर्म हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 2ab, और सेम चीज़ इसमें भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कट जाएगी, तो इधर जो बचेगा मेरा वो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी क्या बचेगा मेरे पास, माइनस टू ए बी, और इसमें भी है माइनस टू ए बी, तो माइनस फोर ए बी, और इधर क्या होगा, टू ए बी और माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी हमारा क्या होगा, फोर ए बी। तो फोर ए बी माइनस फोर ए बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी रूट अंडर जीरो, यानी ये लाइन है ही नहीं। फिर से एक बार समझिए मैंने क्या बोला, एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू हमारा है वो तो कट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ बचेगा फोर ए बी, इसमें क्या है माइनस टू ए बी, और इसमें से भी आएगा माइनस टू ए बी, बाकी टर्म कट जाएगा, तो फिर क्या होगा हमारा वैल्यू, फोर ए बी, तो फोर ए बी माइनस फोर ए बी इक्वल टू जीरो। यानी कहने का सेंस ये है कि ये जो दोनों पॉइंट है इसके बीच की दूरी डिफाइन नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो डेफिनेशन हम लोग का था कि कैसे हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम बांटेंगे, एक क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स coordinate of the points which divides the which divides the join of a की जो वैल्यू है वो माइनस फाइव इलेवन है एंड जो b की वैल्यू है वो गिवन है 4 माइनस सेवन इन द रेशियो टू इज टू सेवन। तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम इसे क्या मानते हैं, हम इसे मानते हैं कि ये इंटरनल डिवीजन का एग्जाम्पल है। जब कुछ नहीं लिखा हो तो ये इंटीरियर डिवीजन का एग्जाम्पल है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे शुरुआती कुछ क्वेश्चंस हों तो सारी चीज़ों को सामने होते हुए देखिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों को अवॉइड करना भी शुरू कीजिए। तो जैसे एक पॉइंट जो ए है वो है माइनस फाइव एंड इलेवन। क्लियर? और जो दूसरा पॉइंट है हमारा
वो है 4 और -6। तो एक पॉइंट जो x1 हुआ वो -5 और x2 जो हुआ वो 4। इधर y1 हुआ 11 और y2 कितना हुआ -7। तो जब हम x और y के जो ये a और b लाइन है इसके बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे और उसको जब हम 2:7 में डिवाइड करेंगे तो वो केवल दोनों के लेंथ आ जाएंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट्स जो कि ए और बी को दो पार्ट में बांटता है। और ए और बी को जो दो पार्ट में बांटेगा, मान लिया कि वो पी है तो किस रेशियो में बांटेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 और 7 यानी 2:7 के रेशियो में। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वैल्यू है ये x1 है, ये जो वैल्यू है ये y1 है, ये जो वैल्यू है ये x2 है और ये जो वैल्यू है ये y2 है। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है। तो मुझे अगर P पॉइंट की वैल्यू पूछे तो उसका जो वैल्यू होगा वो x और y होगा। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या कहा था कि जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या होगी, m x 2 प्लस n x 1 अपॉन m प्लस n। और दूसरा जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m y 2 प्लस n y 1 अपॉन m प्लस n। और आपको पता है कि m की वैल्यू आपकी 2 है, x2 की वैल्यू 4 है। तो हम इसे इस फॉर्मूला पे अगर हम बैठा दें तो हम कहेंगे x इक्वल टू m 2 x1 यानी x2 4 प्लस n की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू -5 है अपॉन m प्लस n। तो कितना होगा 35 और ये कितना हो गया आपका 8, तो लेस करेंगे तो -27 अपॉन 9 तो -3। और y की वैल्यू m y 2 -7 प्लस n x y 1 11 अपॉन m प्लस n। तो 77 में से 14 जब लेस करेंगे तो कितना होगा 63 प्लस में होगा डिवाइड बाय 9 तो 7। तो आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो मान है वैल्यू है वो -3 और 7 है। क्लियर? अगर ये इंटीरियर डिवीजन की बजाय अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो फिर हम क्या करते, जहां हमारा माइनस है वहां हम क्या करते प्लस कर देते, यानी जहां प्लस है वहां पर हम क्या करते माइनस कर देते। क्लियर यहां तक? तो ये हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला को और हम लोगों ने देखा कि कैसे हम किसी लाइन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के माध्यम से, उसमें मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि जब आप दो पॉइंट लेते हैं
एक पॉइंट की वैल्यू एक्स वन और वाई वन है और दूसरे पॉइंट की वैल्यू एक्स टू और वाई टू है। तो इतने अभी तक के जो क्लास हम लोगों ने लिया उसमें हम लोग इस इतना ही देख के क्या क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, मेरा जो अपना इनर स्किल है वो क्या कहता है। तो हम कहेंगे कि इस लाइन की हम लेंथ निकाल सकते हैं, प्लस इस लाइन को हम डिवाइड भी कर सकते, इंटीरियर भी डिवाइड कर सकते, एक्सटीरियर भी हम डिवाइड कर सकते। अगर मुझे रेशियो दे दिया है तो मैं इंटरनल डिवीजन के माध्यम से कोई एक कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट पर भी मैं कोई एक कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। साथ ही साथ अगर किसी ने मुझे कहा इसके मिड पॉइंट क्या होंगे तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ कि एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू होगा, मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब जो मेन प्रश्न ये है कि अगर इस दो पॉइंट की मदद से मुझे किसी ने कहा कि आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहली चीज़ें ये फाइंड करनी है कि अगर कोई दो पॉइंट दे दे तो आप डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, आप उसे बांट भी देंगे, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि उस लाइन का स्लोप क्या है और दूसरा इन दो पॉइंट से जो लाइन बनी है इस लाइन का इक्वेशन क्या है। जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरी ज्योमेट्री इस बात पे डिपेंड करेगा कि अलजेब्रा क्या है इसका। तो मैं ये कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन का दो पॉइंट गिवन है, तो इसका एक समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, और दूसरा इस दो पॉइंट की मदद से इस लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप का अर्थ, स्लोप का जो मीनिंग होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एंगल क्या बनाएगा। वो जैसे जैसे क्लासेस आगे आते जाएंगे आप चीज़ों को समझते जाएंगे। फिलहाल आपको क्या करनी है कि जब आपको कोई स्लोप कहे तो स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम स्लोप को हम डिनोट करते हैं। तो जब दो पॉइंट आपको दिया हो तो दो पॉइंट की मदद से स्लोप जब भी निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद करना भी आसान है, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स। ये बेसिकली जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम आपको डिटेल देते जाएंगे, अभी फिलहाल आप इस पर कंसंट्रेट होइए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं इसको कहूँगा कि ये राइज है और फिर ये नीचे वाला वैल्यू रन है। थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये टेन थीटा भी है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा आप अपने नॉलेज को उसमें इन्हेंस करते चले जाइए, हड़बड़ाना नहीं है, चीज़ों को धीरे धीरे करके समझिए। और दो पॉइंट की मदद से अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें अगर हम ठीक से देखें तो ये जो y और x आप देख रहे हैं, ये जो y और x जो नया टर्म आप देख रहे हैं, ये किसी समीकरण को बनाने के लिए तो वेरिएबल जो चाहिए वो वेरिएबल है, यानी x और y उसका वेरिएबल है और y1 और y2 हमारा गिवन पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है हमारा वो है 5 और 7 और ये जो पॉइंट है हमारा ये माइनस टू और माइनस फोर मान लेता और मैं ये कहूँ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा और मैं ये कहूँ कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो स्लोप आप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप आप कहेंगे कि वाई टू यानी 7 माइनस वाई वन मीन्स माइनस फोर अपॉन एक्स टू 5 माइनस एक्स वन की वैल्यू माइनस टू।
तो फाइनली क्या आया, 11/7। ये जो 11/7 है ये इस लाइन का स्लोप हो गया। क्लियर यहां तक? और अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -4, और ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। आप अगर देखेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 11/7 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, तो -2। तो फाइनली आप कहेंगे y+4 इक्वल टू 11/7 इंटू x+2। अब इसको अगर हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 7 इधर आएगा, तो 7y+28 इक्वल टू 11x+22, और सबको लेके चले जाएंगे इधर, तो 11x-7y-6=0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसीलिए किसी भी लाइन को आप देख के कह सकते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है तो वो एक लाइन है। और यही चीज़ 10th क्लास में सिखाई जाती थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको कई तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था, ट्रांसपोज मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ग्राफिकल जो मेथड था वो यही है कि अगर एक लाइन है तो वो लाइन क्या है, यही वो लाइन। ढेर सारी बातें होंगी, धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे समझते चले जाएंगे, एक एक पॉइंट पर हम लोग अच्छे से नज़र रखेंगे। और एक पॉइंट जो ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड था, तो इसको हम एक और पॉइंट लिख सकते थे कि y-y1 इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू थी, m की वैल्यू थी, तो x-x1। तो इसमें ये m क्या है, स्लोप है, तो हम कहेंगे y-y1 इक्वल टू m(x-x1)। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, चीज़ों को लोग देखते जाएंगे। आज बहुत हो गया, आप इसको ढंग से सारी चीज़ों को समझिए, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, एक एक चीज़ के डेफिनेशन का नोट्स बनाइए, और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराते जाता हूँ, अगर आप पूरे क्लास के ही क्वेश्चंस को अगर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लें, तो आपको कहीं कोई भी किताब को उठा के बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और इसके नेक्स्ट पॉइंट पर कि इस लाइन के साथ साथ स्लोप, उस लाइन के साथ साथ ट्रायंगल, कोलिनियर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।